लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से चंद घंटे पहले लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू यादव के बेहद करीबी पार्टी के ब्रह्मपुर विधायक शंभुनाथ यादव के घर सुबह 4 बजे से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। ये रेड शंभुनाथ यादव की आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर चल रही है। इस दौरान सेंट्रल फोर्सेज के जवानों ने विधायक के आवास को चारों तरफ से सुरक्षा घेरा में ले लिया है। अब तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार बक्सर जिले के सदर सिमरी ब्रह्मपुर और चक्की प्रखंड क्षेत्र में विधायक से जुड़े कम से कम 60 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। शंभुनाथ ब्रह्मपुर सीट से लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। पिछले महीने आरजेडी विधायक किरण यादव के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। और जानकारी के अनुसार बक्सर जिले के अंतर्गत ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक शंभुनाथ सिंह यादव उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर आज ईडी की छापेमारी चल रही है। अब तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार बक्सर जिले के सदर सिमरी ब्रह्मपुर और चक्की प्रखंड क्षेत्र में विधायक से जुड़े कम से कम 60 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। अब पटना से ईडी की 14 टीमें छापेमारी के लिए निकली थी। विधायक का पैतृक आवास चक्की प्रखंड मुख्यालय में है और यहां उनकी आटा मिल और एक बड़ा निजी स्कूल भी चलता है। एक बड़े अस्पताल का भी विधायक निर्माण करा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ईडी की टीम सुबह 4 बजे ही चक्की पहुंची थी। ब्रह्मपुर के विधायक राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। लालू यादव अक्सर उनके निजी आयोजनों में शामिल होने आते हैं और कुछ महीने पहले विधायक के बेटे की शादी में भी राजद अध्यक्ष चक्की पहुंचे थे और यहां अच्छा वक्त भी गुजारा था। वहीं बीते सप्ताह राजद अध्यक्ष के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव भी यहां आए थे और विधायक के साथ एक निजी आयोजन में शामिल हुए थे। वहीं विधायक का पटना बक्सर फोर लेन पर बिहटा के पास एक होटल भी है। वहीं इनका दूसरा होटल गाजीपुर बलिया हाईवे पर उत्तर प्रदेश की सीमा में है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।